नमस्कार, देश विदेश को स्वागत प्रथमे हेडलाइंस। मध्यप्रदेश स्वामित्व योजना हिताधिकारी आलोचना कले प्रधानमंत्री मोदी। भिसी माध्यम हिताधिकारी बांटिले ई प्रॉपर्टी कार्ड, कहिले महामारी समय गाँ लोकमाने ही सृष्टि करिसथि आदर्श। कार्यक्रम में उपस्थित थिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पार्वण पूर्वरु रेलवे कर्मचारियों पर खुशी खबर, नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को मिले 78 दिन बोनस। केन्द्र कैबिनेट निष्पत्ति, सेपटे पीएम मित्र योजना को कैबिनेट मंजूरी। देश में निर्माण होगा 7 मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क। ओडिशा समेत 10 राज्य प्रकाश होती इच्छा। रसायन विज्ञान पर घोषणा होगा नोबेल पुरस्कार। वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट ओ डेविड मैकमिलान को मिलित भाव मिलिबो एही सम्मान। आसी मेट्रिक अर्गानो कैटालीसिस रे नुआ गवेषणा पाई मिलिबो पुरस्कार। विद्युत संस्पर्श रे आसी बाप मां और झी अमृत। जगत सिंहपुर राहमा बणित गाँव में अभावनीय घटना। तीन जन को उद्धार करने को जाई पड़ोसी गुरुतर। शॉर्ट सर्किट जो पूरा घर चार्ज हो अघटन सूचना। डीआरडीओ तथ्य लिक मामलें रहस्यमयी आईएसआई लिंक मिला प्रमाण। पाकिस्तान थी डीआरडीओ कर्मचारी को ट्राप करते रहस्यमयी अपरेट होता। 4 फेसबुक आकाउंट चैटिंग बेले डीआरडीओ गुप्त तथ्य देते 5 अभियुक्त। एवं भी हनी ट्राप्रे अच्छा किसी बालेश्वर युवक। नजर रखी क्राइमब्रांच। झारखंड में उपकृत ओडिया, राज्य में द्वितीय सरकारी भाषा सत्वे स्कूल सिलेबस ओडिया बाद। पूर्व सिंहभूमि जिले में ओडिया पिला भावे पढ़ुवा स्कूल रे दिया जाऊनी ओडिया बही। एथर संपूर्ण खबर। 2020 एक पायलट प्रकल्प भाव में देश में आरंभ कर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। प्रथम अल्प केतोटी राज्य में लागू होता यह योजनाटी एवं सफलतार रूप नहीं। गाँव गरीब दलित शोषित भूमिहीन जीवन में खुशी आनी स्वामित्व। लोकों मिली जमीर मालिकाना फल बैंक ऋण पाइबार असुविधा दूर हो। ग्राम्य स्वराज बड़ उदाहरण। एणिकी देश में अन्य राज्य में कल्याणकारी योजना लागू होगाक जा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। एवं ग्राम्य विकास नुआ मंत्र पलटि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। गाँव गरीब भूमिहीन जीवन में आनी खुशी। दलित शोषित को मिली जमीर मालिकाना पलटि ग्राम्य स्वराज्यर उदाहरण। देशर अन्य राज्य में लागू होगाक जा स्वामित्व। मध्यप्रदेश हिताधिकारी प्रधानमंत्री वार्तालाप कहिले महामारी समय गाँ लोक ही सृष्टि कर आदर्श। स्वामित्व योजना की वजह से आज गांवों में एक नया आत्मविश्वास लौटा है, सुरक्षा का एक भाव जागा है। गांव के घर का नक्शा, अपनी संपत्ति का दस्तावेज जब हाथ में होता है तो अनेक प्रकार की आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना केवल आईन द्वारा वैध कागज पत्र प्रदान करिबार एक योजना नुहे, बरम देशरे ग्राम्य विकास एक मंत्र जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी माध्यम रे संभव हो पारिछि। मध्यप्रदेश पीएम स्वामित्व योजना हिताधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोगे कथा हेबा बेले एक कथा कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है। अब देश के अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। एक प्रकार से वो पायलट प्रोजेक्ट था ताकि आगे चलकर के योजना में कोई कमी न रह जाए। अब पूरे देश में इसको विस्तार किया गया है। योजना प्रथम चरण में देशर जो केतक राज्य लागू करा जाइतिला सेठारे एवं हिताधिकारी 22 लक्ष ई प्रॉपर्टी कार्ड प्रस्तुत हो सारी। यह थिला परीक्षामूलक पायलट प्रकल्प। एवं देशर अन्य राज्य गुड़िकर ही योजना लागू पाई व्यवस्था करा जाउछि। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर
अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए जिन जिन लोगों ने ये मेहनत की है, जी जान से इस काम में जुटे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जिनको ये लाभ मिला है उनको बधाई भी और शुभकामनाएं भी। जो माने ही कल्याणकारी योजना लागू पाई काम करिछंती एवं जो माने यहार हिताधिकारी होई पारिछंती, ए अवसर रे सेमानंकु धन्यवाद जणाईथिले प्रधानमंत्री। कहा जाए भारतर आत्मा गांरे ही रहिछि, मात्र स्वाधीनता परे गांरे अनेक जमी व्यवहार न होई पड़ी रहुथिला, एथिपाई अनेक विवादर सम्मुखीन हेबाकु पड़ुथिला। मोदी गुजरात मुख्यमंत्री हेबा परे किपरि ए समस्यार समाधान दिगरे काम करिथिले एवं एबे प्रधानमंत्री हेबा परे मध्य देशर गरीबंक कल्याण पाई काम करुछंती से बाबत रे प्रकाश करथिले कि मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था, और अब मुझे खुशी है कि 20 साल का आखिरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। ये शायद ईश्वरीय संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहा है। महामारी समय रे भारतर गांव रे रहुतबा लोकमाने ही एकताबद्ध हुई आदर्श सृष्टि करि पारिछंती। एबे केंद्र सरकार का विभिन्न गरीब कल्याण योजना द्वारा देशर गरीब पछुआ लोकंकु आउ कहां पाखरे हाथ पताइबाकु पड़ु नाही बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। अभी हमने इस कोरोना काल में भी देखा है कि कैसे भारत के गांवों ने मिलकर एक लक्ष्य पर काम किया, बहुत सतर्कता के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। 2001 मसीहा अक्टूबर 7 तारीख रे गुजरात मुख्यमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिथिले नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री रु प्रधानमंत्री एहा मध्यरे जनसेवार दीर्घ 20 वर्ष बिताइछंती से। ए अवसर रे देश प्रति मोदींकर प्रतिबद्धता को प्रशंसा करिबा सहित पीएम स्वामित्व भली योजना देशर एक बड़ वर्गर नागरिकंकर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को निश्चित करिवे बोली ट्वीट जोगे आशा प्रकाश करिछंती। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे भाग नैथिबा केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पार्वण पूर्वर रेलवे कर्मचारियों पर खुशी खबर, रेलवे नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को मिल 78 दिन बोनस, से नहीं केन्द्र कैबिनेट निष्पत्ति। केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट बैठक पर सांबादिक सम्मेलन में यह सूचना देते, एथिपाई मोट 1985 कोटि खर्च होद्वारा रेलवे 11,56,000 कर्मचारियों को लाभ मिले। केन्द्र कैबिनेट पीएम मित्र योजना को मंजूरी प्रदान करोजना अनुसार देश में 7 मेगा टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पार्क निर्माण कर पीएम मित्र योजन आगामी 5 वर्ष समुदाय 4,445 कोटि खर्च हो पीएम मित्र नहीं 2021-22 बजेट घोषणा कर केन्द्र सरकार यह योजनापी इच्छा प्रकाश कर 10 राज्य सह आलोचना करमिलनाडु पंजाब ओडिशा आंध्रप्रदेश गुजरात राजस्थान आसाम कर्णाटक मध्यप्रदेश एवं तेलंगाना पी 10 राज्य में यह योजनापी निजर इच्छा प्रकाश कर पीएम मित्र योजन प्रत्यक्ष भाव 7 लक्ष और परोक्ष 14 लक्ष निजुक्ति सृष्टि होगा अनुमान करा जाउछि। प्रधानमंत्री मेगा इंटेग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स पीएम मित्र योजना आज उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की है। जैसा मेरे भाई अनुराग ठाकुर जी ने बताया 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें 2 विभागों को लेकर निर्णय हुए। पहले मैं रेलवे मंत्रालय के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे आपको ज्ञात है कि वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो है वो रेलवे के नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ को मिलता है। एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके फॉर्मूले के आधार पर
प्रति वर्ष का बोनस तय किया जाता है। अति विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन के बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपये इसके ऊपर व्यय होंगे। फॉर्मूले के आधार पर 72 दिन का बनता था, लेकिन उसके बावजूद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और कैबिनेट ने इस पर निर्णय लिया। इससे रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आने वाले समय में रेलवे में और मुनाफा हो और अच्छी उसकी परफॉर्मेंस हो, उस दिशा में भी इसका लाभ मिलने वाला है। हर साल ये दशहरे और पूजा की छुट्टियों से पहले निर्णय किया जाता है, इस बार भी उससे पहले त्योहारों से पहले निर्णय किया गया और इसके लाभ भी 11,56,000 से ज़्यादा नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं रेलवे के, उनको इसका लाभ मिलेगा। 1,985 करोड़ रुपये लगभग इसकी उन पर व्यय होगा। केन्द्र कैबिनेट निष्पत्ति को स्वागत करिछंती केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। पीएम मित्र पार्क ओडिशा समेत देशर बयन शिल्प क्षेत्र को अधिक सशक्त करिब एवं लक्ष लक्ष रोजगार सृष्टि करिबा सह आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे नेबारे सहायक हेबो बोली ट्वीट करिछंती केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। केन्द्र कैबिनेट यहाँ मंजूर देथिबारु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद जणाइछंती केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। निकटरे क्वाड देशमानंक मध्यरे प्रस्तुत होइतिबा एजेंडा आधारे आज भारत आमेरिका मध्यरे अनुष्ठित होइछि एक वैदेशिक स्तरीय बैठक। भारतर वैदेशिक सचिव हर्ष श्रीलंका सह श्रृंगला सह साक्षात करी अफगानिस्तान एवं अन्यान्य द्विपाक्षिक प्रसंगरे आलोचना करिछन्ति अमेरिकार डेपुटी सेक्रेटरी अफ स्टेट वेंडिंग शर्मान। एही आलोचना पय एबे वेंडिंग शर्मान एबे भारत गस्तरे अछन्ति। द्विपक्ष मध्यरे आंचलिक विकास एवं अफगानिस्तानर परिस्थिति नै आलोचना हेबा सहित भारत प्रशांत महासागर অঞ্চলরে কিপরি দুই দেশের সহযোগে শান্তি ও স্থিরতা বজায় রহব সে বাবদরে আলোচনা হইতিবার সূচনা রয়েছে। We are meeting in challenging times. There are important geopolitical changes that have taken place. And of course our foreign policies need to be agile and responsive to the situations that we confront. Over the past few decades, but more in the past few years, I think our relationship has seen a very, very steady growth in both in substance, pace and momentum. And the solid foundation in bilateral ties, the enhanced level of understanding and trust have led to more active and regular engagements in matters of strategic interest as well as in global issues. Bulletin re samay chhe ek choto break ro, break pore jari rahe khabar. पड़ोसी राज्य में ओडिया भाषा सुरक्षापाई संघर्ष। राज्य में मोट जनसंख्यार 30% ओडिया होते भी ओडिया भाषाभाषी को द्वितीय श्रेणी नागरिक भाव बचुंट स्कूल ओडिया बदल में हिंदी पाठ्यपुस्तक दि जाता बेले ओडिया शिक्षक निजुक्ति टाड़ोटो नीति अपना झारखंड सरकार यह बाद सिलेबस्रु ओडिया भाषा को बाद दे बड़ षड्र अभोग करछनांचल रोकता शह शह ओडिया झारखंड में उपेक्षित ओडिया ओडिया भाषा विरुद्ध बड़ षड्र चलित बर्ष सिलेबस्रु हटाईदे ओडिया भाषा ओडिया पिला दि जा हिंदी पाठ्यपुस्तक झारखंड राज्य में मोट 24 जिलूर 10 जिले में ओडिया भाषाभाषी संख्या सर्वाधिक राज्यर मोट जनसंख्यार 30% ओडिया 10 जिले में 400 अधिक ओडिया विद्यालय रही बिहार ठू अलग होगापर बहु विलंबर हेले 2011 ओडिया भाषा को द्वितीय सरकारी भाषार मान्यता मिली एसबु सत्य भी द्वितीय श्रेणी नागरिक भाव जीवन जीवंटे बसवास करुवा ओडिया यहीमि झारखंड पूर्व सिंहभूमि जिला बाहाड़गोड़ा ब्लक्र खंडा मौदा गंभारिया शासन और गुहपाड़ अंचल कथा एठार ओडिया स्कूल अच्छी सत किंतु शिक्षक और पाठ्यपुस्तक नहींशा सरकार ओडिया पाठ्यपुस्तक और शिक्षक देखते झारखंड में स्कूलगुड़िक मिलूनी ओडिया बही
एमितिकी स्कूल गुड़िकरे नुआ ओडिया शिक्षक नियुक्ति देवा मध्ये बंद कर दिया जायछि। जी जोठी हमें छिड़ा है कि जो स्कूल ले अच्छु सेठी गोपबंधु दास भलिया लोक यही स्कूल को आसी यही माटी देखि जाइछंती पर दुखर विषय एठिकार पिला माने आज वर्तमान हिंदी रे पाठ पढ़ुचंती लेखुचंती हिंदी रे ओडिया कहुचंती ना शुद्ध हिंदी ना शुद्ध ओडिया यही प्रकार परिस्थिति रे आमे अच्छु आमको निजे को मन निजे भावुचु आम ये रहीकि गोटे माने गोटे जाजावर भाया जीवन काटौचु। किसी दिन ते जेपीसी जो आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमिशन आम ओडिया ये विषय को उठे दिगलापर आप सिलेबस को जाकि देखिए स्कूल गुड़िकर सिलेबस ओडिया हिंदी उर्दू सब अच्छी कितना ओडिया को बात दिखाई तेनालीराम गोटे चक्रांत कहना तो आम कौन कहटा तो कौन सांबादिक आसेनि झारखंड कौन सांबादिक आज पर्यटन ले गुहापा स्कूल चली कि गला कि नहीं के आसनी कितु प्राय बरस गोटे ना गोटे सांबादिक आसन एवं हाउस कमिटी प्राय तीन चार थर आसी सारी मिनिस्टर मैंने आसीचन प्रसन्न दास स्पीकर थे सी आसीचन बाबू आसते कितु किसी कम हो पारे तेणु आपण मैंने आसन रिपोर्टिंग आड़े जोरसोर करूँ आम आंदोलन करते राज्य गृह कमिटी पठाई आम अंचल देखी जातु तापर से झारखंड आसी आम मुख्यमंत्री पाखे से कथबार्ता करूँ जे जो आम संपर्क आगु रही बिहार ओडिशा मध्य तापर बिहार झारखंड ओडिशा है से संपर्क आम बजाय रो ओडिया जमी बंचे रो एम सरकार निवेदन कर ओडिया भाषार सुरक्षा पर झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को चिठी लिखि व्यक्तिगत हस्तक्षेप लोड़ते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उभय राज्य में संख्यालघु ओडिया छात्र छात्री को ओडिया पढ़ाने व्याघत नहीं उद्वेग प्रकाश करते केन्द्रमंत्री ओडिया भाषा संप्रदाय बसवास करुवा अंचल गुड़िकरे ओडिया माध्यमिक स्कूल गुड़ी झारखंड राज्य शिक्षा विभाग हिंदी माध्यमिक स्कूल को मिसाई देउछंती एवं यह पछरे ओडिया भाषा कहुथिबा छात्र छात्री एवं कर्मचारी कम थिबा दर्शाई पदक्षेप नेउथिबा कुहा जाउछि। या संविधान ने उल्लेख थिबा मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और राइट्स ऑफ लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी विरोध रे जाउछि। झारखंड में बसवास करुवा ओडिया भाषा कहुथिबा जनसंख्या को ओडिया भाषा रे शिक्षा प्रदान करिबा और सहज करिबा दिगरे पदक्षेप नेबाकु केन्द्रमंत्री अनुरोध करिछंती। सेपरि झारखंड पूर्वतन स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर दिनेश षडंगी कहते सीमार ओडिया भाषा और संस्कृति सुरक्षा पर संघर्ष जारी रहिबो। लोकों मन में गोटे शंका सृष्टि कला जे या माने होची हाथ में न मारिक भात में मार स्लो पॉइजनिंग करी ओडिया को खत्म कर तेणु ता विरुद्ध रे समस्त मन में गोटे रोष आक्रोश है जत है तो भविष्य मुझे भविष्य तो क्या जाना ना कि जितेदिन आम बंचीचु ओडिया भाषा निश्चित भाव में बंची रही दृढ़ विश्वास रही। पड़ोसी राज्य में ओडिया भाषा विरोध में षड्यंत्र एपटे निगोड निद्रा राज्य सरकार प्रश्न उठू भाषा को नहीं कहीं गुरुत्व देना राज्य सरकार एठार रोकवा ओडिया भाषावासी समस्या बुझा राज्य सरकार दायित्व नुहे कि राज्य में द्वितीय सरकारी भाषा को सिलेबस बाद दिया जुक्तियुक्त कि झारखंड गुहाजापाल कैमरा पर्सन हरेकृष्ण पात्र रंजन कुमार दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। भूत खाऊ राशन कथाटा अड़ुआ लगिले भी सत एटि बंची लोक पाने राशन हेले भूत खाऊ राशन एभली घटना देखा मिली कटक जिला महांगा ब्लक रे महांगा ब्लक रो आवास केलेंकारी परे एबे सामना को आसी माळमाळ राशन केलेंकारी भूत खाउची राशन चारि वर्ष हेब मृतकंक नारे उठुची राशन सामग्री महांगा ब्लॉक रे दुर्नीति पाल्टी नीति मासे की दुई मास नुहे चारि वर्ष हेब मृतकंक नारे उठा जाउची राशन सामग्री मृतक उर्मिला चारि वर्ष हेब मृत्यु बरण करलेनी हेले एबे भी तांको नारे उठुची राशन सामग्री गोटिए पटे जीवितंकु योजनारु बाद दिया जाउथवा बळे महांगारे किंतु मृत व्यक्ति को नारे उठा जाउची राशन हां ए राशन कार्ड अछि हम तीन पो नारे अछि हम चा तीनटा पो अछु संग ये करी भिने किसी रहि जिनी आपनकर मिसेस मिसेस मरि जाय जिनी के बेटर मला 4 वर्ष हे जीवो ना ना राशन तो मा वर्ष हला मलेनी आ राशन रे हम केमिति आनी मतब तापर से चाउल कौन शुणा पाऊँ कि उठे डिलर कौन नौ कौन करें से कथा आज्ञा मुझे तो जानू जहाँ थी आईन रिधि कार्यक्रम
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହବ, ଆମେ ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବୁ। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ମୃତକ ହେଲେ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲି ଦାସ। ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିଙ୍କ କାର୍ଡ। ମୃତ ସସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବର 07080071258 ମଧ୍ୟ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ନିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଲର ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ ଉଠାଉଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ବାବଦରେ ମହାଙ୍ଗା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ନ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ବି ଏବେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଡିଲର ଆମର MI ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଫିସରମାନେ ବି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ପଞ୍ଚାୟତ କି ଆମେ ମହାଙ୍ଗାବାସୀ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ କହୁଛୁ, ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଉ। ଏ ତ ଆପଣ କହିଲେ ମୋତେ ମୋର ଗାନ୍ତ ସାର୍କୁ ଦେଲେ, ମୁଁ ତା'ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଯଦି କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ମହାଙ୍ଗାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ରାସନ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ଏହାର ଲମ୍ବା ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତିର ପେଣ୍ଠ ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ମହାଙ୍ଗା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ଦେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ? ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ପରିବାରର ତିନି ତିନିଟି ଜୀବନ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ବାପା ମା ଓ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାହାମା ବଣିତ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମଣିଜଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ଘର ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବାରୁ ଅଘଟଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ କଥା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ହାଟିଆ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ LHB କୋଚ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କଥା ହୋଇଥିଲେ କଥା ରଖିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିଠି। ହଟିଆ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଉ LHB କୋଚ୍, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସୁବିଧା ଓ କଲ୍ୟାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଯାତ୍ରା କରିବାବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗଦଲପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀ ହଟିଆ ପୁରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ LHB କୋଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବି ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ମହାକାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ନାଁରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 1996ରୁ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଲଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ରାଉରକେଲା, ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ହଟିଆ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଦୂରବାଟ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ସେହିପରି ନୂଆ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ LHB ରେକ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗଦଲପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରାକ୍ରେ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି କୋଚ୍ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବସିବା କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଥିରେ କମ୍ ଶବ୍ଦ ସହ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁଲିଂ ସୁବିଧା ଭଳି ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର LHB କୋଚ୍ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଆଜି ଅତାବିରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅତାବିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀସ୍ତରୀୟ ଶତାଧିକ BJP କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଶ୍ରୀ ଟୁଡୁ
स्थानीय अतावीरा दुर्गा मंदिर को जाई पूजार्चना करते पश्चिमांचल में पानी जल समस्या को विशेष गुरुत्व देवासह यहाँ उच्चस्तरीय आलोचना करेंगे बोली कहते देखी सारे प्राय मोटामोटी मो विभाग बहुत जाऊँचे आउ किसी अच्छे अन्न्य किसी अच्छे जो मान जो विभाग सागर भी मुझे कथापर से असुविधा किसी ना गोटे निर्णय आम ये कथा हो स्टेज रे जे राज्य सरकार को किसी आम चिठी लिखा और बाकी केन्द्र सरकार जो कैबिनेट मिनिस्टर मैंने अच्छा मुझे कथी तुरंत किमी तार समाधान कर दरकार पड़े आम गोटे टीम ये पठेवा सर्भे करेप बै स्टेप कम करने कथा कर समय सर देश विदेश को ये रखु नमस्कार।